ये क्लास सिक्स की हिंदी लिट की क्लास है और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ हिंदी लिट का सिक्स लेसन, जिसका नाम है संसार का दर्पण। तो देखिए, प्रस्तुत कविता के कवि राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म 4 मार्च सन 1981 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कोइरीपुर नामक स्थान पर हुआ था। मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी जैसी कृतियों के रचयिता का देवासन यानी कि मृत्यु 16 जनवरी सन 1962 को हुआ था। प्रस्तुत कविता में त्रिपाठी जी ने यह संदेश दिया है कि आप भले तो जग भला, अगर आप भले होंगे तो जग भी कैसा होगा, संसार भी भला होगा, और आप बुरे तो संसार भी कैसा होगा, बुरा होगा। एक कुत्ता आदमी के बनाए शीश महल में फंस जाता है। वह शीशों में अपनी छवियाँ यानी अपने आप को अन्य कुत्ते समझकर उन पर भौंकता है। तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे कविता। आदमी ने एक बनाया था शानदार का अर्थ होता है सुंदर। आदमी ने एक बनाया, महल था शानदार, कांच अंदर की तरफ उसमें जड़े थे बेशुमार, उसमें अंदर बहुत सारे अनगिनत कांच जड़े हुए थे। एक कुत्ता था फंसा उसमें अचानक उसमें एक बार एक कुत्ता फंस जाता है। देखते ही सैकड़ों कुत्ते हुए बेकरार। तो बेकरार का अर्थ होता है आपका बेचैन। तो जब वो कुत्ता उसमें फंस जाता है तो वह अपना ही आकृति देखकर समझता है कि वे वहाँ पर सैकड़ों कुत्ते हैं। वह समझता था उसे वे घूरते हैं घेर कर। जब वह कुत्ता उसमें कांच आदमी के द्वारा बनाए हुए कांच के महल में फंस जाता है तो शीशे में वह अपनी आकृतियाँ देखता है और वह समझता है कि वह सारे कुत्ते जो हैं वह मुझे घूर रहे हैं। वह ना था कमज़ोर दिल का बल्कि रखता था दिमाग। छू गया जैसे किसी के फूस के घर में चिराग। ठीक है, वह झुंझला उठा, उधर भी सैकड़ों झुंझला उठे। जब वह झुंझलाता है मतलब गुस्से में वो फंस जाता है अंदर, तो वो क्या करता है, अपने आप में झुंझला जाता है। तो वह अपनी आकृति देखता है तो वह भी उन आकृतियों को देखकर एक दूसरे के ऊपर झुंझलाते, तो वह समझता है कि उस जो सैकड़ों उसमें कुत्ते हैं वो क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर उसे घूर रहे हैं, झुंझला रहे हैं उसके पे। त्योरियाँ का अर्थ है आपका जैसे भौं, माथे पर बल पड़ने पर अपनी जो भौं ऊपर हो जाती है उसको त्योरियाँ कहते हैं। इसकी चढ़ी तो सैकड़ों की चढ़ गई। जब वो कुत्ता अपनी गुस्से में अपनी जो आंखों को भौं को ऊपर चढ़ा लेता है तो वो देखता है कि उसके अंदर जो सैकड़ों कुत्ते थे मगर वहाँ तो सिर्फ एक ही कुत्ता था और वो ही अपनी छवि को देखता था और वो समझता था कि उसे सैकड़ों कुत्ते क्या कर रहे हैं, घूर रहे हैं। भौंकने जब वह लगा देने लगा गुम्मद जवाब। जब वह भौंकने लगता है तो वह समझता, और जो गुम्बद क्या होती है, गुम्बद एक अर्ध गोलाकार होता है, जहाँ अपन आवाज़ लगाते हैं तो वो आवाज़ क्या रहती है, अपने चारों तरफ घूमती है। जब वो कुत्ता भौंकने लगता है तो उसी कुत्ते की आवाज़ जो है वो चारों तरफ घूमने लगती है। ठीक आमद खर्च का मिलने लगा उसको हिसाब, और इसी का उसको क्या मिलने लगता है, जब वो भौंकने लगता है तो उसकी आवाज़ चारों तरफ घूमने लगती है और वह घबरा जाता है। वह समझता है कि ये सारी क्या है दुश्मनों की चाल है, पर नहीं वह जानता था उसी सब उसी का हाल है। पर वह नहीं जानता था कि ये तो सब उसी का हाल है, क्योंकि उसके अंदर और तो कोई नहीं था, सिर्फ वो ही था, और वह अपनी छवि को देख के ही समझता था कि ये दुश्मनों की चाल है। भौंकता ही वह रहा जब तक कि उसकी जान में जान थी। वह कुत्ता भौंकता रहता था कि जब तक उसके जान में जान थी। महल की दुनिया उसी की नकल पर कैसी थी, महल की जो दुनिया थी वह उसी कुत्ते की नकल पर क्या थी, हैरान थी। वो कुत्ते की नकल पर हैरान थी कि ये कुत्ता अपनी आकृति को देखकर मतलब भौंकता है और ये सारी हरकतें करता है, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था। ठीक शीशे की तरह तुम देख लो संसार है। इसी प्रकार बच्चों देखो आपने कि ठीक शीशे की तरह ही संसार है। नेक है वह नेक को,
मतलब जो नेक होता है उसको नेकी ही मिलती है और बद के लिए बदकार है, मतलब जो नेक होता है तो उसके लिए सारी दुनिया ही नेक होती है और बद यानी जो बुरा होता है उसके लिए सारी दुनिया कैसी होती है, बुरी होती है। तुम अगर सूरत बिगाड़ोगे तो शीशे में वही तुम्हें देखनी पड़ेगी, तुम अगर सूरत बिगाड़ोगे तो तुम्हें शीशे में वही देखनी तुमको पड़ेगी। बात है बिल्कुल सही। तो बच्चों ये इसमें बताया है कि अगर तुम अपनी सूरत खुद बिगाड़ोगे, अगर तुम खुद भी बुरे होगे तो वही बुरा ही तुम्हें मिलेगा, तुम्हें अच्छा नहीं मिलेगा। अगर आप अच्छे होगे तो सारी चीज़ें या सारा संसार भी अच्छा होगा। तो इस कविता को बच्चों आपको अच्छे से पढ़कर लर्न करना है और इसके कठिन शब्दों को आपको पढ़ के लर्न करना और अपनी नोटबुक में भी नोट करना है। थैंक यू।